गया। गर्भगृह में अयोध्या के मंदिर में विराजने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर कलाकार संघ जिला राजगढ़ के द्वारा एक बहुत ही शानदार भगवान श्री राम का चित्रण वर्णन किया गया है जो दीवार लेखन के साथ यहाँ पर वॉल पेंटिंग की गई है। काफी शानदार वॉल पेंटिंग यहाँ पर जो कलाकार संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। काफी शानदार अद्भुत विशाल सबका साथ सबका विकास के साथ यहाँ पर आर्ट कलाकार संघ जिला राजगढ़ के द्वारा एक शानदार यहाँ पर भगवान श्री राम की प्रतिमा का चित्रण किया गया है। देख सकते हो कितना शानदार यहाँ पर मंदिर का वही स्वरूप बनाया गया है जो अयोध्या में वर्तमान में जो मंदिर बनाया जा रहा है जैसा वहाँ का मंदिर का स्वरूप है वैसा का वैसा ही यहाँ पर चित्रण भगवान श्री राम का किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर खेड़ापति हनुमान मंदिर के बाद जो दीवार लेखन का ये काम यहाँ पर काफी शानदार तरीके से किया गया है इन लोगों के द्वारा। पैसा थोड़ा यहाँ आ जाइए बस। इन लोगों के द्वारा काफी शानदार तरीके से ये दीवार लेखन का काम किया गया है। इनसे और कुछ जानकारी भी लेंगे इससे क्या कलाकारी इन लोगों ने की है। पहले तो भाई साहब आपको जय श्री राम भाई साहब। मैं देख रहा हूँ आपने तकरीबन सुबह से लगे हुए भगवान श्री राम का चित्रण बनाने के लिए तो कैसे क्या कलाकारी कर आपने ये बनाया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ सर सबका साथ सबका विकास कलाकार संघ जिला राजगढ़ जो टीम आज सुबह से जैसे 10:30 बजे से यहाँ से कार्य के लिए लग रही थी और हमें बुलाया गया था माननीय विधायक महोदय ने। उन्होंने बोला कि आप 22 जनवरी से रामलला का जो राज अभिषेक होने जा रहा है उसके कारण एक पेंटिंग क्यों नहीं बनाई जाए आपके द्वारा। तो हम सभी कलाकार यहाँ पर आकर के एक अद्भुत पेंटिंग का नज़ारा पेश किया। एक से बढ़कर एक कलाकार है हमारी टीम में जैसे कि सुनील जी सोनी ये बहुत ही शानदार कलाकार है जिले में इनका नाम चलता है और काफ़ी माने हुए कलाकार है। तो इनके द्वारा यानी कि सभी पेंटर के द्वारा सुबह से हमने ये पेंटिंग तैयार की है। जैसे कि आज विधायक महोदय यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है मगर एक बार उनसे मेरे को जरूर मिलाना। अच्छा उन्होंने ही बोला था कि ये पेंटिंग करने के लिए। हाँ उन्होंने बोला था और उन्होंने हमें कलर दिलाया और हम सहयोग अब सभी का तन मन धन से तो नहीं मगर सभी ने पेंटिंग में जरूर सेवा दी यहाँ पर। नहीं लेकिन जो आपने ये कलाकारी यहाँ पर दिखाई है लेकिन आपने समस्त खुजनेर वासियों का दिल जीत लिया भाई साहब। नहीं और कोशिश करेंगे ऐसे दिल तो जीता नहीं हमने फिर भी और कोशिश करेंगे अगर जो हमें बुलाया गया तो वापस ऐसी और अद्भुत पेंटिंग बनाएंगे हम। नहीं देखा जा रहा था कि ऐसा ही मंदिर भगवान अयोध्या में जो बना हुआ है लेकिन आपने वही का वही चित्रण इस दीवार लेखन पर उतार भी दिया काफ़ी शानदार है। सर आपका बड़कपन है क्योंकि हम तो सुबह से लग रहे थे प्रयास कर रहे थे और भी कोशिश करेंगे अगर आप अगली बार बनवाना चाहते हैं। अच्छा ये दीवार लेखन यहीं की है कि और भी जिले में कहीं करने का आपका प्रयास है। नहीं हमारा प्रयास तो ऑल इंडिया में जैसे कि राजगढ़ में किया वो सारी जगह 2 या 3 वर्ष से हम निरंतर करते जा रहे हैं पेंटिंग। इससे पहले भी हमने मनीष जी विश्वकर्मा का फोटो बनाया गया था यहाँ पर आपके खुशनेर में। अच्छा भाई साहब अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है उसके विषय में कुछ कहना चाहोगे। हम पहले तो सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे सर जो हमें इतना अच्छा प्रोत्साहन यहाँ खुजनेर की जनता ने जो दिया है आज वाकई बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही हमारे जो आदरणीय विधायक जी हैं जो कि अमर सिंह जी यादव जो कि यहाँ पर सरकार के नाम से फेमस है उनका भी इसमें कलर का सहयोग रहा इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी टीम के द्वारा एक कार्य जो किया गया है यह कार्य हम हमेशा करते आ रहे हैं
और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें एक प्रेरणा दी राम जी के जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उससे हमें एक सीख मिली कि क्यों ना हम अयोध्या तो जा नहीं सकते। तो हमारे जहन में एक विचार आया क्योंकि ना हम हमारे ज़िले में ही ऐसा कार्य करें जिससे कि यहाँ पर भगवान राम का हमारे द्वारा हमें सौभाग्य प्राप्त मिले और हमारे द्वारा कार्य हो। जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा था कि कल उनका स्टेटमेंट आया था कि 22 जनवरी को आप अयोध्या ना आए बल्कि उसके बाद आए, बल्कि 22 जनवरी को अपने गांव को अपने नगर को ही अयोध्या बनाएं। बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने संदेश दिया है। यदि एक एक घर पांच पांच दिए अगर पूरे देश में लगाएंगे ना, तो जो वहाँ पर अयोध्या में तो एक अलग ही नज़ारा रहेगा, लेकिन अगर पांच पांच दिए आप अपने घर में अगर एक एक जना लगाएगा तो वाकई पूरे भारत में अयोध्या से भी भव्य मौका होगा और बहुत ही अच्छी दीपावली मनाई जाएगी। और इसलिए मेरा सभी नगरवासियों से लेकर पूरे भारत के हिंदू राष्ट्र जो बनने जा रहा है वो तो बनेगा, और जो बनने जा रहा है उसके लिए मेरा सभी से भाइयों से निवेदन है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि जो दीपावली 22 जनवरी को जो मनाई जाएगी वो सभी अपने अपने घरों पर पांच पांच दिए, या मेरा तो मानना है कि पांच एक लीटर तेल नहीं सही, सभी दीपावली धूमधाम से मनाएं और दीपक हर जगह लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हो ये वही कलाकार है, इन कलाकारों ने भगवान राम का ये संपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और हमारे साथ सरजी सोनी जी भी हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, इनसे बातचीत करें। भाई साहब, आपने काफ़ी शानदार कलाकारी की, आप सुबह से लगे हुए इस काम में, लेकर तो दो शब्द तो कहना चाहोगे भगवान राम के लिए? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये काम करने को मिला। अच्छा, बड़ा अच्छा चित्रण बनाया आपने, सब कृपा है भगवान राम की। देख सकते हो जैसे कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो 22 जनवरी को वहाँ ना जाएं बल्कि अपने ही घर मंदिर में ही ऐसे भगवान राम की प्रतिमा बनाकर जरूर अयोध्या बना दिया जाए, क्योंकि 1992 से लेकर जब तक वो तकरीबन 400-500 वर्षों के बाद हिंदू समाज का जो संघर्ष रहा है अयोध्या को लेकर, 6 दिसंबर 1992 को जो कार सेवा गई थी उसके बाद से बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद वो कोर्ट में फैसला गया था श्री राम मंदिर का, उसके बाद हमारे पक्ष में आया और राम मंदिर बनने वाला है, बड़ी सौभाग्य की बात है, ऐसा चित्रण गया। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।